Hello students of MSc final class. I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic of cold arid zones of the world. In the last lecture, I have explained you about the hot desert, type of deserts and in which I have explained you the hot desert. Now today we will take the cold arid zones of the world. अभी cold arid zones क्या होते हैं, इनके क्या characters होते हैं और इनका क्या distribution है, that's all we'll लर्न इन दिस लेक्चर. सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन बता दूँ मैं आपको कि कोल्ड एयर जोन्स होते क्या हैं. कोल्ड एयर जोन्स वो एरिया होते हैं जहाँ परमानेंट बर्फ़ रहती है और वो जो वहाँ की जो लैंड होती है वो एकदम जमी हुई होती है, लैंड फ्रोजन होती है. ये कोल्ड जो डेजर्ट्स होते हैं ये मेनली पोल्स पर पाए जाते हैं. ये डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से ये डेजर्ट्स बनते हैं. ये डेजर्ट्स कोल्ड एरियाज़ है जहाँ सिर्फ लाइफलेस प्लेसेस मौजूद हैं. यहाँ अत्यधिक एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड टेम्परेचर के कारण लाइफ बहुत कम होती है, रेयर लाइफ पाई जाती है. इन डेजर्ट्स का मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव है. यद्यपि इनसे दूर रहने वाले मनुष्य इस प्रभाव को अनुभव नहीं कर पाते हैं, पर आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ और काफ़ी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होने के कारण इन डेजर्ट्स की भी स्टडीज़ अच्छी हो रही है और इन डेजर्ट्स पर भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं जानने के बारे में और वहाँ जाकर के भी देख के आते हैं. अब हम लेंगे नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड एरिड जोन. इनमें साल भर रहने वाले लो टेम्परेचर की वजह से एरिडिटी उत्पन्न हो जाती है. प्रेसिपिटेशन बहुत लो होते हैं, जमे हुए हुए रूप में नमी प्राप्त करते हैं और वायु में आर्द्रता लगभग अनुपस्थित होती है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी क्या बहुत ऊंची होती है और लगभग 75-85% होती है और वायु में जो तैरते हुए आइस स्पिक्यूल्स होते हैं वो बहुत संघनित रूप में पाए जाते हैं. टेम्परेचर पूरे सीजन में, राउंड द होल सीजन टेम्परेचर लो होता है. इवापोरेशन लो होता है, जल जो होते हैं वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में संगठित होकर के रहता है. ग्लेशियर्स तो हमने काफ़ी देखे हैं, मूवीज़ में भी देखे हैं और अंटार्कटिका के अगर आप एटलस में देखेंगे या जिस मूवी जानेंगे तो वहाँ पर ग्लेशियर्स मीन्स बिग साइज ऑफ आइस. गर्मियों के दिन में लगातार लाइट बनी रहती है परंतु सर्दियों में ट्वीलाइट होती है, बहुत थोड़ी सी लाइट होती है इसके अंदर. विंड के द्वारा जो स्नो की ड्रिफ्टिंग होती रहती है जिससे मोज़ेक लाइक वेजिटेशन पाई जाती है. ये सारा कुछ है आपके करैक्टर्स ऑफ द कोल्ड एरिड जोन, जो जहाँ ठंडी बहुत होती है उनके क्या करैक्टर्स होते हैं. अब हम इसके और यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो बहुत स्कैटर्ड होती है. मॉसेस, लाइकन्स, फर्न्स, ग्रासेस ये सब पाए जाते हैं और टेम्परेचर जो होता है वो वार्मेस्ट मंथ में जो होता है, वार्मेस्ट मंथ में जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट होता है. टॉप सॉइल जो होती है वो 9 माह तक जमी रहती है जबकि सब सॉइल हमेशा ही जमी रहती है. यहाँ इतनी ठंडी होती है और फिजियोलॉजिकल ड्रॉट सॉइल मॉइस्चर के कारण, क्योंकि सॉयल मॉइस्चर में जो मॉइस्चर होता है वो फ्रोजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट भी संभावना रहती है उसके लिए. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्ड एयर जोन. अब हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पर हैं कोल्ड एयर जोन. कोल्ड डेजर्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पोल्स पे पाए जाते हैं. इनमें मुख्यतः ग्रीनलैंड, आर्टिक पोल, नॉर्थ पोल और या फिर अंटार्कटिक आइस कैप्स शामिल हैं. इनमें हडसन की खाड़ी और आर्टिक ओशन का कुछ क्षेत्र भी शामिल है. इसके अलावा हिमालय की ऊंची चोटियां भी कोल्ड एरिड जोन में ही आती हैं. साउथ पोलर एरिड रीजन और अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है. अब हम फर्स्ट लेंगे अंटार्कटिका कोल्ड एरिड जोन. अंटार्कटिका महाद्वीप में अत्यधिक विस्तृत आइस शीट्स पाई जाती हैं जो संपूर्ण विश्व की 86% का भाग बनाती हैं. इसका जो क्षेत्र है वो 13.9 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर है जो कि पृथ्वी की सतह का क्षेत्र 10वां भाग है.
इसकी मोटाई औसतन 1600 मीटर तथा ऊंचाई समुद्र से 40 किलोमीटर तक होती है। यद्यपि इस महाद्वीप में एक्सपोज माउंटेन चेन, ड्राई वैलीज तथा कोस्टल ओएसिस पाए जाते हैं, परंतु 95% से अधिक एरिया स्नो और आइस द्वारा ढका हुआ होता है। अब हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर हैं क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अत्यधिक कोल्ड, बहुत तेज़ विंड्स, वायु वेग और बहुत ड्राई होता है यहाँ का क्लाइमेट। ये तीन मुख्य लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है। जो सदर्न ओशन, एक तो वाटर ऑफ सदर्न ओशन, द वेरिएबल सी आइस कवर और कॉन्टिनेंटल आइस शीट, इन तीन से इसका जो है क्लाइमेट प्रदर्शित किया जा सकता है। मीन टेम्परेचर जो होता है, द वर्ल्ड्स लोवेस्ट -89.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स में गर्मियों में दिन का तापमान 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो सकता है। जो विंड की वेलोसिटी होती है वो अत्यधिक हाई होती है, बहुत तेज वेग से वायु चलती है, वेलोसिटी उसकी बहुत तेज होती है। कैटाबॉलिक विंड्स जो होते हैं, ये विंड्स आइस के ऊपर की वायु के अत्यधिक ठंडा होने के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ये ग्रेविटी के फोर्स के कारण एक संपलाकृत ढलान की ओर बहती है और लैंड मॉसेस को बहा के ले जाती है। ये स्नो सरफेस पे रिपल्स बनाती है जिन्हें बास्टरगी कहते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर है सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि एंटार्क्टिका कोल्ड रीजन में किस टाइप की सॉइल होती है। इसके 2% भाग जो है वो आइस फ्री है। एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है इसका 2% भाग आइस फ्री है, जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स को या साथ अंटार्कटिक पेनिनसुला में भी पाया जाता है। इनके अलावा उन कोस्टल एरियाज पर भी आइस फ्री पार्ट पाया जाता है जहाँ आइस शील्ड स्थान छोड़ चुकी होती हैं। लो टेम्परेचर के कारण सॉइल फॉर्मेशन की केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत कम पाई जाती है, साथ ही सॉइल मॉइस्चर भी बहुत कम उपलब्ध होता है। इसलिए सॉइल मॉइस्चर, सॉइल इमेच्योर होती है जिससे बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम पाए जाते हैं। तो यहाँ की सॉइल रिच नहीं होती है बिल्कुल भी। अब हम पढ़ेंगे इनके वेजिटेशन के बारे में। अंटार्कटिका में ज़्यादातर क्रिप्टोगेमिक फ्लोरा पाए जाते हैं। इनकी जो कम्युनिटीज होती है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनको, इनकी कम्युनिटीज को दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है ताकि इजी हो जाए थोड़ा पढ़ पाना। फर्स्ट ग्रुप है अंटार्कटिक हर्ब टुंड्रा फॉर्मेशन, जहाँ ग्रास और कुशन कीमोफाइटिक्स सब फॉर्मेशन होता है, कुशन के रूप में होते हैं कीमोफाइटिक प्लांट्स, और अंटार्कटिक क्रिप्टोगेम टुंड्रा फॉर्मेशन, इसमें क्रस्टेशियस लाइकन सब फॉर्मेशन, फ्रक्टोज और फोलियोज लाइकन का सब फॉर्मेशन होता है। पहला जो ग्रुप है वो तो है क्रस्टेशियस लाइकन सब फॉर्मेशन, और सेकंड ग्रुप है फ्रुटिकोज एंड फोलियोज लाइकन का सब फॉर्मेशन, थर्ड है शॉर्ट मॉसेस सब फॉर्मेशन, उसके बाद नेक्स्ट है टॉल मॉसेस सब फॉर्मेशन, ब्रायोफाइट सब फॉर्मेशन, एल्गी सब फॉर्मेशन विद रेफिडो नीमा, स्नो एल्गी क्लेमाइडोमोनास होते हैं जो इनका सब फॉर्मेशन विद क्लेमाइडोमोनास, ये सब पाया जाता है। और मॉस हमक जो होता है छोटी पहाड़ी पर, इसका सब फॉर्मेशन भी पाया जाता है। और ग्रास पाई जाती है डेस्केम्पिजिया अंटार्कटिका, कोलोबेंटस क्विटेंसिस, ये दो तीन टाइप की ग्रासेस भी पाई जाती है। और इन्वर्टिब्रेट्स में, फौना में अगर हम देखें तो प्रोटोजोन्स, नेमेटोड्स, इंसेक्ट्स एंड कुछ माइट्स भी पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स में डायटम्स, आइस एल्गी में डायटम्स, क्रिजोफाइशियन एल्गी, डीनोफ्लैजलेट्स और ग्रीन फ्लैजलेट्स, रू प्लैंक्टन, श्रिम्प्स, ये सब पाए जाते हैं। ये सब आपका अंटार्कटिक का कोल्ड एरिड जोन का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है आर्कटिक कोल्ड एरिड जोन। ये नॉर्थ पोल क्षेत्र के, रशिया के नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप के क्षेत्र में
सम्मिलित रूप से आर्टिक कोल्ड एरिजोन कहलाते हैं और यहाँ पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा रीजन नॉर्थ साइबेरिया है। आर्टिक सी वर्ल्ड ओशन का ही एक पार्ट है जो जम गया है। केवल कोस्ट पर ये नहीं जम पाया जहाँ पर समर के दौरान आइस टूट जाती है। इन उच्च अक्षद्वीप कोस्ट पर पोलर ग्रासलैंड टुंड्रा पाए जाते हैं, मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध। इनमें ये मुख्य एरियाज हैं नॉर्थ अमेरिकन आर्टिक कोस्ट, आइसलैंड एंड स्पिट्सबर्गन, कोस्टल ग्रीनलैंड, आर्टिक कोस्ट ऑफ यूरेशिया, साउथ ओशनिक आइलैंड्स ऑफ मैक्यूरी एंड साउथ जॉर्जिया। ये सारा डिस्क्रिप्शन था आपके आर्टिक कोल्ड एरिड जोन का। नेक्स्ट है क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट कैसा होता है, आर्टिक जोन का क्लाइमेट कैसा होता है। यहाँ पे एवरेज एनुअल टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और समर में टेम्परेचर जो है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है अबव फ्रीजिंग एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स, कुछ समय के लिए। डे लाइट बहुत थोड़ी होती है, विंटर में वही ट्विलाइट ही होती है, गोधूली वेला के समान हल्का सा प्रकाश होता है। आइस लेयर की जो नॉर्थ पोल पर औसत ऊंचाई होती है वो 3 से 5 मीटर, यद्यपि ये कभी कभी सॉलिड फॉर्म में जम नहीं पाती क्योंकि आइस ईस्ट से वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट करती रहती है। एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी 60-80% होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन लेस देन 20 सेंटीमीटर और विंड वेलोसिटी इन विंटर 15-20 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ का जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो सरफेस में, समर में वाटर द्वारा, विंटर में आइस द्वारा कवर रहते हैं। सॉइल के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं और नाइट्रोजन तो पुअर होती है, नाइट्रोजन होती ही नहीं है इसके अंदर। लैंडस्केप के मुख्य लक्षण जो होते हैं वो होते हैं आइस स्कॉर्ड जो चमकते हुए प्लेन्स तथा लो हिल्स होते हैं। सॉइल्स में लो एनुअल टेम्परेचर और लो इवेपोरेशन रेट के फलस्वरूप निर्मित होती है और ये सॉइल परमानेंटली फ्रोजन होती है। ये हमने आर्टिक कोल्ड एरिड जोन का क्लाइमेट पढ़ लिया एंड सॉइल पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन। वेजिटेशन के जो विशेष लक्षण पाए जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, विंड वेलोसिटी और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस के लंबे समय तक सर्वाइव करने के कारण ये वेजिटेशन जो होती है वो स्कैटर्ड होती है और छोटे छोटे पैचेस में पाई जाती है। इसमें लैकेंस की बहुत वैरायटीज, अबाउट 2000 वैरायटीज मिल जाती हैं। मॉसेस के भी खूब मिलते हैं, फर्न्स और अल्पाइन मिलते हैं। और जो अल्पाइन होते हैं ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स निकलते हैं इनके अंदर अल्पाइन में। और जो फौना होता है आर्टिक पोलर जोन का, जो फौना होता है वो कई ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे स्मॉल कार्निवर्स फॉक्स एंड वीजल, लार्ज कार्निवर्स जो हर समय एक्टिव रहते हैं पोलर बियर वुल्फ, लार्ज माइग्रेंट हर्बिवोर्स मस्क ऑक्स, स्मॉल हर्बिवोर्स एक्टिंग हियर, रेजिडेंट बर्ड्स स्नोवी आउल, माइग्रेंट बर्ड्स गीज एंड डक्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स स्प्रिंगटेल माइट वाटर बियर। पोलर एयर जोन जो होता है ये सारा आपको मैंने जो बताया ये सारा वर्ल्ड का कोल्ड एयर जोन के बारे में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट विल टेक इंडियन एयर जोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।